छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का सबसे बड़ा पर्व 39वां दीक्षांत समारोह पूरी गरिमा और छात्रों के हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ मंत्रोच्चार के साथ हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा के साथ कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल, विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक, प्रतिकुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी, कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार यादव, कार्य परिषद अकादमिक परिषद के सदस्यगण, संकाया अध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्ष प्रेक्षा गृह में पहुंचे। शुरुआत में नन्हे मुन्ने बच्चों ने पर्यावरण वॉक कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने समारोह की अध्यक्षता की, जबकि AICTE के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अभय जेरे मुख्य अतिथि के तौर पर, वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री योगेंद्र उपाध्याय तथा उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना उपस्थित रहे। कार्यक्रम में DG कॉलेज की छात्रा रीतिका अवस्थी को कुलाधिपति मेडल समेत 6 पदक मिले। इस दौरान उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता को देते हुए बताया कि वह भविष्य में प्रोफेसर बनना चाहती हैं। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने सफल छात्रों के अथक परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें कभी भी माता पिता की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, यही असली शिक्षा है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी हमारे समाज की नींव है। आने वाले कल का भविष्य युवाओं पर ही निर्भर करता है। युवाओं को अपने पथ पर सावधानी पूर्वक चलते हुए समाज में अपना योगदान देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने एक क्लिक कर डिजी लॉकर में एक साथ 7 लाख से अधिक मार्कशीट और 1 लाख से अधिक डिग्रियां डिजी लॉकर में अपलोड की। कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि डॉक्टर अभय जेरे ने कहा कि शिक्षा किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि अपनी प्रतिभाओं को निखारने के लिए देश में चल रहे नए वोकेशनल प्रोग्राम में भी भाग लेना चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि शिक्षा सिर्फ विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं है, ज्ञान और शिक्षा ऐसा गुण है जो कि किताबी ज्ञान से परे प्रकृति से भी प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति की जड़ें सनातन में ही है। वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी ने विश्वविद्यालय को नैक A++ की बधाई देते हुए कहा कि UP की शिक्षा पद्धति में निर्णायक बदलाव हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि हमें विश्वविद्यालय का छात्र होने पर गौरव है। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन विश्वविद्यालय से मुझे यह सम्मान मिलेगा। मैं सम्मान से अभिभूत हूँ। महाना ने कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की लीडरशिप की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने इस विश्वविद्यालय का पूरा स्वरूप ही बदल दिया है। समारोह में कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने विश्वविद्यालय की प्रगति आख्या पेश करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने एक साल में न सिर्फ अभूतपूर्व प्रगति की है, बल्कि NAIC++ UGC में Category 1 के साथ ही NIRF में भी जगह बनाई है। VV ने एजुकेयर में 82 रैंक हासिल कर प्रदेश में ही नहीं देश में भी अपना नाम रोशन किया है। विश्वविद्यालय में पर्यावरण संरक्षण के साथ 64 करोड़ लीटर पानी भी बचाया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय जल्दी डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी शुरू करना चाह रहा है। विश्वविद्यालय की ख्याति से प्रभावित होकर 10 अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं ने भी विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है। कार्यक्रम के दौरान तालाब तारण अभियान की शुरुआत कुलाधिपति और रामवीर तंबर पॉन्ड मैन ऑफ इंडिया की ओर से की गई। विश्वविद्यालय की ओर से 20 साड़ी बैंकों की शुरुआत भी की गई। समारोह में महापौर प्रमिला पांडे, सांसद रमेश अवस्थी, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्रिल वरुण, प्रतिकुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार अवस्थी, कुल सचिव डॉक्टर अनिल कुमार यादव, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर राकेश कुमार, वित्त अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार त्रिपाठी, आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वंदना पाठक, कार्य परिषद अकादमिक परिषद के सदस्यगण, सभी संकायाध्यक्ष, सभी विभागाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, CSME न्यूज़, कानपुर।